देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी स्टार्ट होने वाला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना गणेश चतुर्थी स्पेशल कुछ बनाया जाए। तो इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ गणेश जी का बहुत ही फेवरेट एक स्वीट डिश, मोदक। मोदक बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्दी एक मिठाई होता है और ये बहुत ही झटपट बन जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए बनाते हैं हम आज मोदक। सबसे पहले हम इसका स्टफिंग प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है, इसे एक मिक्सिंग बोल में मैंने डाल दिया। अब इसमें ऐड करेंगे एक कप ग्रेट किया हुआ गुड़। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के इक्विवेलेंट मिक्स ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे कुछ काजू, कुछ पिस्ता और कुछ किशमिश लिया है। काजू और पिस्ता को मैंने छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिए हैं, इसे मैंने ऐड कर दिया। और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून खसखस। अब इन तमाम चीज को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो चुका है, अब चलिए इसका स्टफिंग को हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और इस पैन को हम गरम कर लेंगे। पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून शुद्ध देसी घी और घी को हमें थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। घी मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कोकोनट मिक्सचर। अब हमें इस मिक्सचर को तब तक लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करना है जब तक इसका जो गुड़ है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए। इस प्रोसेस को करने में टोटल 2 to 3 मिनट्स का ही टाइम लगेगा। इसे ओवर कुक बिल्कुल ना करें वरना ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी बन जाएगा। तो बस गुड़ के मेल्ट होने तक हमें इसे कुछ देर तक फ्राई कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, एंटायर कुकिंग में इसका जो फ्लेम है बिल्कुल लो टू मीडियम में ही रहेगा। अगर आप फ्लेम बढ़ा दोगे तो ये जो कोकोनट मिक्सचर है वो जल भी सकता है। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हो ये गुड़ पूरा मेल्ट हो चुका है, फ्लेम अब पूरा लो ही रहेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर और इसे बस कुछ देर तक मिक्स करके हमें गैस को तुरंत बंद कर देना है। ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, अब हमने गैस को बिल्कुल बंद कर दिया है। अब इसे एक ड्राई बोल में उतार के हमें इसे ठंडा होने देना है। अब नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे मोदक का डो। मोदक का डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 बोल चावल का आटा। अब हमें बिल्कुल मेजर करके उसी बोल से 1.5 बोल पानी ऐड करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप जिस भी बर्तन से चावल का आटा डालो उसका 1.5 पोर्शन आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। सपोज अगर आपने मेजरमेंट कप से अगर 1 कप अपने चावल का आटा ऐड किया तो आपको 1.5 कप आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। तो पानी हमने यहाँ पर डाल दिया है, अब गैस ऑन कर लेंगे और पानी को हमें गर्म कर लेना है। पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी और पानी को हमें बॉयल होने देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 बोल चावल का आटा। अब फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और इसे हमें तुरंत हमें स्टर करते रहना है वरना इसमें लम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। स्टर करते रहेंगे और फ्लेम बिल्कुल लो ही रहेगा। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, सारे लम्स हट गए हैं। अब गैस को लो ही रखेंगे और इसे हमें ढक के 2 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। मिक्सचर को हमने 2 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है, अब हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। इसे कुछ देर स्टर करके इसे हमें फिर से ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो क्या होगा ना, ये जो इसके हीट से ये पूरी तरह से पक जाएगा, गैस बिल्कुल बंद ही रहेगा इस बीच। अब मिक्सचर को ये ड्राई प्लेट में हमें उतार लेना है। अब इसे हमें गूंथना है, क्योंकि आटा बहुत ही गर्म है तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में एक बोल में ठंडा पानी लिया है। अब हाथ को थोड़ा सा पानी में इस तरह से डुबो लेंगे और इसे बिल्कुल गर्मा गर्म हमें गूंथना है। अगर इसे आप ठंडे करके गूंथोगे तो इसमें लम्स बन जाएगा। इस आटे को हमें तब तक गूंथना है जब तक ये आटा पूरी तरह से स्मूथ हो जाए, तो इसलिए हाथ को बीच बीच में पानी में डुबोते रहिए और इसे इस तरह से गूंथते रहिए। आटे को हमने गूंथ लिया है
और ये प्लेट में हमने थोड़ा सा चावल का आटा रखा है डस्टिंग के लिए। अब आपको जिस भी साइज का मोदक चाहिए उस अमाउंट में आटे को लीजिए और हाथ में अच्छी तरह से गोल करते करते इसका एक बॉल बना लीजिए। इसे हमें तब तक गोल करना जब तक ये पूरी तरह से स्मूथ हो जाए। अब ये बॉल को हमें ये चावल के आटा से डस्टिंग करना है ताकि ये हाथों को चिपके ना। इसे अच्छी तरह से डस्टिंग कर लेंगे। आप अगर चाहे तो तेल या घी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे जो क्या है ना, ये आटा थोड़ा सा चिपकने का टेंडेंसी रहता है। अब थंब से इसे प्रेस करेंगे बिल्कुल सेंटर में, अगर आपको लगे मीनवाइल तो आप हाथों में थोड़ा सा आटा ले सकते हो और इसे इस तरह से गोल करते रहेंगे और प्रेस करके घुमाते रहेंगे और इसे एक बोल का शेप दे देंगे। अब इस बोल में हमें एक चम्मच ये नारियल का स्टफिंग डालना है। अब इस स्टफिंग को थोड़ा सा थंब से प्रेस कर लेंगे, अगर आपको लगे तो आप थोड़ा और स्टफिंग भी डाल सकते हो अपने मोदक के साइज के अकॉर्डिंग। अब इस स्टफिंग को हमें थंब से अच्छी तरह से प्रेस कर देना है, इसे ज़्यादा जोर से प्रेस ना करें। अब इसे तीन उंगलियों के हेल्प से इसका छोटे छोटे हमें प्लीट्स बनाना है। अब जितना ज़्यादा प्लीट्स बनाओगे उतना मोदक का शेप अच्छा होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से इसके प्लीट्स बनाते जाएंगे बिल्कुल किनारों में। सारे प्लीट्स हमने बना लिए, अब इसे थोड़ा सा और प्रेस करेंगे स्टफिंग को, कुछ इस तरह से हमें प्रेस करना है और उसके बाद हम इस मोदक को सील करेंगे। अब बहुत ही केयरफुली बहुत ही हल्के हाथों से कुछ दो उंगलियों के हेल्प से इसका जो अपर जो पोर्शन है इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे और मोदक को जो है कुछ इस तरह से हमें घुमाते रहना है और मोदक के टिप को थोड़ा सा पॉइंटेड कर देंगे, कुछ इस तरह से हमें पॉइंटेड कर देना है। ये देखिए हमारा मोदक रेडी है। अब इसे एक ड्राई प्लेट में उतार लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें रिमेनिंग आटे का भी मोदक बना लेना है। सारे मोदक बिल्कुल बनके रेडी है, अब हमें इसे स्टीम करना है। मोदक को स्टीम करने के लिए इस तरह का हमें वेसल यूज करना है। तो इसे थोड़ा सा घी से हमें ग्रीस कर लेना है, कुछ इस तरह से हम इसे ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें सारे मोदकों को थोड़ा गैप वाइज हमें रखते जाना है। अब इसे हमें स्टीम करना है। मैंने इस कढ़ाई में 1.5 ग्लास के अप्रोक्स पानी ऐड कर दिया है और पानी गर्म हो चुका है। अब बहुत ही केयरफुली मोदक वाले बर्तन को इस कढ़ाई के ऊपर रख देंगे। अब इसे कवर कर देंगे और इसे बिल्कुल 10 से 12 मिनट के लिए हाई फ्लेम में हमें स्टीम होने देना है। उसके बाद ये मोदक बिल्कुल सर्व होने के लिए रेडी। फ्रेंड्स, हमने मोदक को टोटल 12 मिनट्स के लिए स्टीम कर लिया है। ये मोदक बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसे बिल्कुल गर्मा गर्म एक ड्राई प्लेट में हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, हमने मोदक को गर्मा गर्म सर्व किया है, आप भी इसे गर्मा गर्म ही सर्व कीजिए। इस मोदक को और भी यम्मी बनाने के लिए आप इस मोदक को तोड़ के इसमें देसी घी डाल के अगर आप खाओगे तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस मोदक को गणेश चतुर्थी में जरूर बनाएं और अपने गणपति भगवान को चढ़ाएं। अगर आपको आज का हमारा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस मोदक के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी तरह के नए नए रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी।